कॉमर पैटर्नस जहाँ हम ये देखते हैं कि आज कल की जो मॉडर्न पोलिटिकल पार्टीज हैं व टाइप ऑफ मॉडर्न पैटर्न दे है have, हम ये समझे बगैर के जो पहले पैटर्नस थे वो क्या थे हम शायद बात को मुकम्मल तरीके से समझ नहीं सकते इसलिए फॉमर पैटर्नस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली वी मस्ट कीप इन माइंड एंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टेंड दो पैटर्नस ऑल्सो बिकॉज द पोलिटिकल लाइफ ऑफ़ लार्ज अमेरिकन सिटीज वॉज डोमिनेटेड बाय द मशीन्स ऑफ पार्टीज फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हु केम टू अमेरिका ड्यूरिंग एटीन फोर्टीज एंड एटीन फिफ्टीज असल में जो फॉर्मर पैटर्नस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज हैं हमें इसको ट्रेस करने के लिए अमेरिकन हिस्ट्री को देखना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ भी कहें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का या जो सियासी निज़ाम की जो तरवीज है जो तरक्की है वो हमें उसको ट्रेस करने के लिए अमेरिकन सिस्टम्स को या यूरोप को या ब्रिटिश सिस्टम को बेस बनाना पड़ता है क्योंकि जो मॉडर्न जो ज़माने के अंदर जो सियासी लिहाज से जो तरक्की हुई है उसके सेंटर्स क्योंकि ये एरियाज थे इस वजह से हम उन्हीं से ही अपनी बात अपने आर्गूमेंट की बेस जो है वो क्रिएट करते हैं सो दीज पावर्स ऑफ मशीन्स फार मेनली ऑक्यूपाइड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द एंड डिस्ट्रिक बट दीज कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी वॉज नॉट स्टेटिक और सोल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एथनिक ग्रुप इट चेंज द ट्रांसफर टू अदर एथनिक ग्रुप्स ऑल्सो अब अमेरिका के अंदर जब हम देखते हैं कि एथनिक ग्रुप्स जो किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया में रहते थे उन्होंने उस एरिया में रहने वाली जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल या मैनेज करना शुरू किया लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोई एक ख़ास ग्रुप था जो एक्टिव था मुख्तलफ जो एथनिक ग्रुप्स थे दे ऑल आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल और कभी कोई डोमिनेटिंग पोजीशन में आता था कभी कोई डोमिनेटिंग पोजीशन में उससे बाजुकात ये भी होता था कि मिलकर रहने की भी एक फिजा, लेकिन उसके साथ साथ जो एक मुकाबले की फ़िज़ा थी वो भी उन इलाकों के अंदर डेवलप और डिज़ाइन हो रही थी सो दीज मशीन्स वर हाईली इफेक्टिव इन रीचिंग द लोअर लेवल ऑफ मैसेज इन डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर हेंस हाईली इफेक्टिव इन गेनिंग मोर इलेक्टोरल सपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस अब जितना ज़्यादा ये स्ट्रक्चर एक्टिव हुआ उसका फ़ायदा क्या था कि लोगों के अंदर जो मोबिलाइजेशन राइज़ होना शुरू हुई कि जितना ज़्यादा हम अपने ग्रुप का साथ देंगे वो ग्रुप की पोजीशन उतनी मज़बूत होती चली जाएगी उससे जो इलेक्टोरल ट्रेंड्स जो हैं वो भी बनना शुरू हुए लोगों के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो राइज़ होना शुरू हुई और ये फीलिंग भी इमर्ज हुई कि जितना हम अपने ग्रुप के लिए एक्टिव होंगे उतना ही हम अपने रोल को आगे लेकर चलने में कामयाब भी हो सकते हैं सो मशीन्स आल्सो इंजॉयड अ टाइट कंट्रोल ओवर म्यूनसपैलिटीज फॉर लार्जर स्पेन ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नीडी इमिग्रेंट्स विद देयर मटेरियल सिचुएशंस बिकॉज द म्यूनसपैलिटीज़ दे हैव देयर ओन रिसोर्स और जब ये ग्रुप्स एक्टिव थे तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे और ख़ास तौर पर इनकम से रिलेटेड इशूज़ थे तो इस पूरे मेकनिज़म ने जो लोकली एक्टिव था जो लोकल लेवल पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करने में कामयाब हुआ उससे लोगों के प्रॉब्लम्स के सोलूशन की तरफ भी एक मेकनिज़म जो है वो इवॉल्व हुआ सुसाचदर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स अंड दीज मच फेवर बाय द मैसेज एविडेंट इन इलेक्टोरल इंड्यूसमेंट्स एंड वोटर कंप्लाइंस अब जितना ज़्यादा लोगों के वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए उससे लोगों की इन्वॉलमेंट जो है वो बढ़ी और लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया इस सिस्टम के ऊपर जो बाहर लोकल सिस्टम था लेकिन उसकी इन्वालमेंट की वजह से लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेकनिज़म डेवलप हुआ उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों की ट्रेनिंग लोगों की मोबलॉजेसन और सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट है वो इवॉल्व होना शुरू हो गया और जब लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ तो फिर ऐसे इलाकों के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाकायदा शक्ल इख्तियार की तो उस सिस्टम को कोऑप करने के लिए लोग मेंटली भी रेडी थे और लोगों की ट्रेनिंग भी हो चुकी थी कि कैसे सिस्टम जो है अगर वो प्रॉपरली काम करेगा तो उन लोगों के मसाइल उनके अपने एरियाज़ के अंदर भी हल हो सकते हैं और जब अपने एरियाज़ के अंदर हल होंगे तो फिर लार्जर लेवल पर भी जब उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकेगी तो इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि अगर हम देखें कि जो फॉर्मर पैटर्न से अगर उनकी बुनियाद लोगों की ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भी अगर लोगों को इसी तरीके से इन्वॉल्व करें अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी मैनिफेस्टो को स्प्रेड करके तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग ना सिर्फ इन्वॉल्व होंगे बल्कि लोगों की का जो ट्रस्ट लेवल है लोगों की जो एफिलिएशन है टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द पोलिटिकल लीडरशिप वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो अल्टीमेटली सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि कोई भी सिस्टम जब लोकल ग्रास रूट लेवल से परफॉर्मेंस शुरू करता है और फिर उसको बिल्ड करता है लार्जर नेशनल लेवल पर तो फिर लोगों के साथ जो एफिलिएशन का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स अगर इंटरवीन भी करें तो तब भी वो इंटरवीनिंग फोर्सेस जो हैं वो मैनेज भी हो सकती हैं और उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है